हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो के लिए टैक्स अप्लाई करना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे किस तरह से टैक्स का यूज़ किया जाता है, किस तरह से टैक्स को अपनी वीडियो में सेट किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी यूट्यूब वीडियो को वायरल करने के लिए टैक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज आप भी जान जाएंगे कि किस तरह से हम टैक्स को अपनी यूट्यूब वीडियो में सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे YT स्टूडियो का आइकन नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ये जो YT स्टूडियो आइकन नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ किस तरह से हम YT स्टूडियो के जरिए टैक्स को अपने यूट्यूब वीडियो में सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस YT स्टूडियो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम YT स्टूडियो पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नजर आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी वो वीडियोज डिस्प्ले हो जाएंगी, शो हो जाएंगी, जो वीडियोज को आपने अपलोड किया हुआ है। तो फिलहाल रिसेंटली जो मैंने वीडियोज को अपलोड किया है, उस वीडियो पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ किस तरह से टैक्स को वीडियो में सेट किया जाता है। तो लास्ट में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो नजर आ रहा है, इस वीडियो पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर आपको यहाँ पे जो ऑप्शन जो आइकन नज़र आ रहा है, उसमें आपको एक पेंसिल नज़र आ रही होगी। तो आप देखेंगे पेंसिल का सिंबल नज़र आ रहा है, तो आपको सिंपली उस पेंसिल पे क्लिक कर देना। ये जो पेंसिल है, ये एडिट वीडियो का ऑप्शन से। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आप इस पेंसिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपकी एडिट के लिए ओपन हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन था, ये एडिट का ऑप्शन था। तो आप ऊपर देखेंगे, ऊपर एडिट वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इट मीन्स अब आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं, वीडियो का टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, वीडियो का जो भी टाइटल है आप उसमें कुछ बढ़ा भी सकते हैं या कुछ कम भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया है तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चेंजेस आप इस वीडियो में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि टेक्स्ट को ऐड करना। तो अब आप बॉटम में सबसे लास्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करके ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यही है वो ऑप्शन जो आपको अपनी वीडियो में सेट करना है। तो आपको टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक करेगा। तो अब आप यहाँ पे टाइटल से रिलेटेड आपने जो भी टैक्स देना चाहते हैं वो टैक्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो ट्रेजर ऑफ नॉलेज मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नेम लिखा है ये टैक्स के लिए। ये तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर लास्ट में ब्लिंक कर रहा है। तो आपको टैक्स को फाइनली सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए कॉमा का यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉमा। तो देखिए, मैंने जैसे ही कॉमा लगाया तो ये कर्सर जंप करके नीचे नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। इट मीन्स यहाँ पर ये जो एक टैक्स था वो सेट हो गया। अब यहाँ पर हम वन बाई वन और भी कुछ लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। इसके बाद मैं फिर कॉमा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने कॉमे का यूज़ कर लिया, तो ये दूसरा मेरा टैक्स होगा। यहाँ पे दो टैक्स हो गए। चलिए एक आध और आपको मैं टैक्स यूज़ करके बता देता हूँ। तो फिर मैं आपको एक टैक्स और बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे एक और टैक्स लगा दिया है, लेकिन अभी ये फाइनली टैक्स सेट नहीं हुआ है। सेट कब होगा फ्रेंड्स, कॉमे के बाद, आफ्टर कॉमा। तो यहाँ पे भी मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी तीन टैक्स अपनी वीडियो में लगा दिए हैं। आप यहाँ पे और भी वन बाई वन टैक्स लगाते जाइएगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट रहती है। तो जब आपके टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो बता देगा और आपकी वीडियो सेव नहीं होगी। तो फिलहाल आपको टैक्स उतने ही लगाना है जितने आपके टैक्स एक्सेप्ट किए जाएँ। तो फिलहाल मैंने आपको डेमो के लिए थ्री टैक्स यहाँ पर लगा के बता दिए। तो टैक्स के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जब आप टैक्स लगा लें, जितने भी आपको टैक्स लगाना है, और टैक्स के लिए आइडिया आप अपने गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं किस तरह से टैक्स लगाया जाए। आपके टॉपिक जो है, जिस वीडियो पर, जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई हुई है, उससे रिलेटेड आप सर्च बॉक्स में गूगल पर जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहां से वो सारे टेक्स्ट को आप कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है और फिर मैं एक और वीडियो आपको आगे बनाने वाला हूं। तो फिलहाल आपको इसके बाद करना है क्या फ्रेंड्स, आपको ऊपर सेव पर जाके क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारी वीडियो है ये सेव हो जाएगी और ये जो टैक्स हैं वो सेव हो जाएंगे। तो देखिए, ये एडिट सेव का ऑप्शन आ गया। इट मीन्स ये जो वीडियो थी फाइनली सेव हो गई है और इस वीडियो में जो मैंने टैक्स थे वो टैक्स अप्लाई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ था सिंपल वे, बहुत ही ईजी तरीका जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से यूट्यूब वीडियो में टैक्स को यूज़ किया जाता है। आई होप दैट आपको समझ
समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे टैक्स लगाना नहीं आता, आप जान चुके होंगे किस तरह से अपनी वीडियो में टैक्स का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।